गो के आजकल मगरब के पर्दे खिलाफ जो मुहिम चल रही है मगरब में, इसकी मुहिम चलाने की वजह से मुसलमानों में एक रद्द अमल पैदा हो रहा है और बाज़ ने ऐसे बुरके भी बना लिए हैं जो वाकई ऐसे खौफनाक लगते हैं और जिनको देखकर बहरहाल जो उन मुल्कों की इंतज़ामिया है उनको देखना पड़ता है, बाज़ जगहों पर जाने के लिए चेक करना पड़ता है। लेकिन ये एक रद्द अमल है। फ्रांस वगैरह में जो कानून बने हैं वो भी इस किस्म के बुरके के ख़िलाफ़ बने हैं, जहाँ तक मेरे इल्म में ये बात है। जो आम हिजाब है उसके ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन काबिले फ़िक्र बात यह है कि एक मुसलमान मुल्क ने भी, ग़ालिबन सीरिया ने, अपनी यूनिवर्सिटियों में पर्दे या हिजाब पर पाबंदी लगा दी है। अल्लाह ताला रहम करे मुसलमान मुल्कों पर भी और उनकी हालतों पर। ये साफ मगरब से खौफजदा होकर या दज्जाली चाल के ज़ेर असर आकर करने वाला काम है। बहरहाल अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उनमें ना ही अफराद का हुक्म है, ना ही तफरीद का हुक्म है, ना इस तरफ झुको ना उस तरफ झुको, और यही असल चीज़ है। अब भी गैरत जमात मुसलमान औरतों लड़कियों में देखने में आता है कि शायद इनमें चंद अहमदी लड़कियां भी शामिल हों कि जीन और छोटी कमीज़ पहनकर जिसमें जिस्म की नुमाइश हो रही होती है ऊपर हिजाब लिया होता है। इस किस्म का पर्दा तो इस्लाम का हुक्म नहीं है। ये शायद रद्दमल है उन लड़कियों में भी मगरिब के कानून का कि अच्छा तो हमें रोकते हो तो हम हिजाब ले लेती हैं। उससे उनको कोई गर्ज नहीं होती कि पर्दे की रूह क्या है। तो ये रद्दमल जो है ये भी गलत है। तो अल्लाह ताला के अहकामात में तो जैसा कि मैंने बयान किया ये है कि नज़रें नीची रखो, बेमुहाबा औरत और मर्द आपस में एक दूसरे से नज़रें न टकराएं, एक हया उनमें होनी चाहिए। दूसरे अपनी ज़ीनत छुपाओ, ऐसा लिबास हो जिससे जिस्म की नुमाइश ना होती हो, और तीसरे ये कि अपनी ज़ीनत छुपाने के लिए अपने गिरेबानों पर सर, गर्दन और सामने के हिस्से को ढांक कर रखो। जो बुरका पहनना है वो ढीला ढाला हो, जो मेकअप करके चेहरा नंगा करके फिरती हैं वो भी ज़ीनत ज़ाहिर करने के ज़ुमरे में आती हैं, इसी तरह बालों की नुमाइश जो करती हैं वो भी ज़ीनत ज़ाहिर करने के ज़ुमरे में आती हैं। क्योंकि वो ख़ुद अपने बालों की नुमाइश इसलिए कर रही होती हैं, ख़ुद समझ रही होती हैं कि इससे यह हमारी ज़ीनत है, इससे हमारी खूबसूरती ज़ाहिर हो रही है। इसलिए सर ढांकना, चेहरे को कम से कम इस हद तक ढांकना कि चेहरे की नुमाइश ना हो रही हो, और लिबास को मुनासिब पहनना, ये कम से कम पर्दा है। और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने इसकी तलकीन फरमाई है, कम से कम ये मयार होना चाहिए। आप एक जगह फरमाते हैं कि यूरोप की तरह बेपर्दगी पर ये लोग जोर दे रहे हैं, लेकिन ये हरगिज़ मुनासिब नहीं है। यही औरत की आज़ादी फिस्को फजूर की जड़ है। जिन ममालिक ने इस किस्म की आज़ादी को रवा रखा है, ज़रा उनकी अखलाकी हालत का अंदाज़ा करो। अगर इस आज़ादी और बेपर्दगी से उनकी इफ़त और पाक दामनी बढ़ गई है तो हम मान लेंगे कि हम गलती पर हैं। बस आज़ादी की भी कुछ हदूद हैं। जब आज़ादी के नाम पर लिबासों की नुमाइश शुरू होती है, जब ज़रूर से ज़्यादा फैशन की तरफ तवज्जो होती है, तो फिर बेपर्दगी की तरफ भी कदम उठते हैं। बस पाकिस्तान से मुझे शिकायत आती हैं और ख़ास तौर पर रब्बा से कि बुरकों के भी ऐसे डिज़ाइन शुरू हो गए हैं जिसमें फैशन होता है, चलते हुए औरतों के जिस्म नज़र आ रहे होते हैं। इसलिए तकवा का तकाजा ये है कि अपनी हदूद अल्लाह ताला और उसके रसूल ने जो मुकर्रर की हैं उसके अंदर रखो रहो। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था
कि अंबिया अल्लाह ताला के अहकाम लेकर आते हैं ताकि दुनिया की इस्लाह करके उन्हें खुदा ताला के करीब करें। इस ज़माने में अल्लाह ताला ने हम पर एहसान करते हुए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को भेजा, तो आपने जिस तरह रहनुमाई फरमाई है जिससे हमारी दुनिया व आखरत संभलती है उसके मुताबिक चलना चाहिए, उसके मुताबिक चलने की कोशिश करनी चाहिए, एक मोमिना होने का हक अदा करना चाहिए, अपने आप को तकवा के मयार के मुताबिक चलाने की कोशिश करें। और जैसा कि मैंने अभी कहा है और हमेशा कहता हूँ कि अहमदी औरत की ज़िम्मेदारी बहुत बढ़कर है, वो अपनी ज़िंदगी तकवा से गुजारे क्योंकि उस पर जमात की नस्ल की तरबियत की ज़िम्मेदारी है। ये आपके सुपुर्द एक इमानत है, इस इमानत का हक अदा करें। अल्लाह ताला सबको इसकी तौफीक अता फरमाए।